नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज IPS कलर के एग्जाम का आखिरी दिन है और आखिरी शिफ्ट भी है, कैंडिडेट्स बाहर आने शुरू हो गए हैं। चलिए बातें करते हैं कि आज उनका पेपर कैसा रहा। कैसा रहा मैम? अच्छा था, इजी था। कितना अटेम्प्ट किया आप? 40 रीजनिंग में। अच्छा, और मैथ्स में? मैथ्स में था। कितना? 37, यानी 3 क्वेश्चन लेफ्ट। मैथ्स और रीजनिंग कंपैरिजन में आपको टफ कौन लगा? मॉडरेट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लेवल कम भारी नहीं था, बट क्वेश्चन लेवल ठीक था। अच्छा, तो मैथ्स में सवाल कहाँ से थे? मिक्स थे, AI से भी थे। अच्छा, एसईओ से भी थे, सिंपलीफिकेशन भी थे, मिक्स थे। पेपर वाज लेंथी और नॉट? नो, इजी। कट ऑफ के चांसेस क्या है? आज तो लास्ट पेपर था, एज यूजुअल या कुछ चेंज होगा? एज यूजुअल। ऑल द बेस्ट आपको। कैसा रहा भैया? ठीक। कितना अटेम्प्ट किया आप? मेरे तो कम ही अटेम्प्ट। कितने हो पाए? मेरे ख्याल से 61। और इसमें मैथ्स में कितना किया? मैथ्स में 33 अटेम्प्ट किए थे। पेपर रीजनिंग वाला थोड़ा सा वो अनसर्टेन पजल पूछा हुआ था। अच्छा, और ये जो 2-3 दिन से एग्जाम हो रहा था उस पे बेस्ड नहीं था? उसी पे बेस्ड था। अच्छा, अलग नहीं था, मतलब उसके कंपैरिजन में टफ और इजी? अब वो डिपेंड करता है किसका प्रिपरेशन कैसा। मेरा अच्छा, तो उस लेवल का नहीं था, इसी कारण हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, लेकिन पजल्स थोड़े मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल का, रीजनिंग में थोड़ा परेशानी है। मैथ्स डूएबल था। मैथ्स अच्छा था। गुड लक भैया। कैसा रहा मैम? कितने आपने अटेम्प्ट किया? 74। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 37 मैथ्स, 37 रीजनिंग। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग में कौन सा डिफिकल्ट था? टाइम टेकिंग मैथ्स ही था। अच्छा, कंपेयर टू रीजनिंग। और रीजनिंग में, रीजनिंग कहाँ कहाँ से पूछे गए थे सवाल रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल्स थे, था। अच्छा, और मैथ्स में? मैथ्स में नंबर सीरीज और AI और ऑटोमेटिक। अच्छा, इंस्टीट्यूट जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे थे उस पे बेस था कि नहीं? हाँ, उसका उसके कंपैरिजन में कैसा? इस बार तो मुझे और बार तो इजी लगता था, पर इस बार मुझे सेम लगा। अच्छा, इस बार ठीक लगा आपको। ऑल द बेस्ट मैम। कैसा रहा पेपर? कितना किए? 65 के। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया आप? और रीजनिंग? अच्छा, रीजनिंग डिफिकल्ट लगा? रीजनिंग थोड़ा अलग था। अच्छा, और मैथ्स कैसा था? कैलकुलेटिव या फिंगर टिप पे? मैथ्स सही था। रीजनिंग में सवाल कहाँ से थे? चलिए भैया, गुड लक। कैसा रहा भैया आपका? कितना टाइम किया आप? टाइम तो मैंने पूरा किया, लास्ट में 4-5 छूट गया मेरे। अच्छा, मतलब 75। मैथ्स में कितना टाइम किया? मैथ्स में पूरा टाइम किया, रीजनिंग में मेरे से। रीजनिंग का टाइम सबका कम है, ऐसा क्यों? रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, हल्का सा टफ। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग था, टफ भी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, और मैथ्स कैसा था? मैथ्स एकदम लो लेवल, लो लेवल का, मतलब कैलकुलेटिव या फिर फिंगर टिप पे सॉल्व हो रहा था? हल्का कैलकुलेटिव था, हल्का, बाकी मतलब 5-6 क्लास तक के लेवल का। अच्छा, 5-6 क्लास। कट ऑफ एज यूजुअल या कुछ चेंज होगा? कट ऑफ तो भैया 75 से कम नहीं जाने वाला, मतलब पहले जैसा ही। पहले से ऊपर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। अच्छा भैया, गुड लक आपको। कैसा रहा मैम? कैसा रहा आपका? कितना टाइम किया आपने? 60। मैथ्स में कितना? और रीजनिंग में? अच्छा, दोनों में कंपैरिजन में कौन टफ लगा? मैथ सही था, रीजनिंग टफ था। अच्छा, गुड लक आपको। कैसा रहा भैया आपका? कितना टाइम किया? 68। मैथ्स में कितना बना है? और रीजनिंग में? रीजनिंग में भी नहीं। रीजनिंग और मैथ्स से कंपेरिजन में टफ कौन था? दोनों इजी था। दोनों इजी था, दोनों इजी। अच्छा, कहाँ से थे रीजनिंग में सवाल? रीजनिंग में पजल थे, हाँ, इनिक्विटीज थे, हाँ, और स्टाइलो थे। और मैथ्स में? और मैथ्स में DI थे। DI, हाँ, एप्रोक्सीमेशन 15, हाँ, जो डेली पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस। अच्छा, और ये जो 2 दिन से जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा था उसका देखे थे सवाल? हाँ, उसी लेवल का, उसी का लेवल था। गुड लक भैया। कैसा रहा भैया पेपर? कितना अटेम्प्ट किया आप? 72 ओवरऑल। 72। मैथ्स में कितना बना है? मैथ्स
मैथ्स तो मतलब काफी इजी था कम्पेयर टू रीजनिंग, काफी अच्छा भी रहा। रीजनिंग थोड़ा सा देखा जाए तो वो भी काफी ऐसा क्यों सब मतलब जितने मोस्टली कैंडिडेट्स से मैंने बात किया सब बोल रहे रीजनिंग थोड़ा इशू कर रहा था, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगा, रीजनिंग काफी इजी भी था, अच्छा भी लगा, एंजॉय भी किया। मैथ्स थोड़ा टाइम कम बचा मैथ्स के लिए। अच्छा, What will be the probability of cut-off? As usual या कुछ change होगा? More than 70. मतलब कोई change? 75 आएगा। अच्छा, कोई changes का chance नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। अच्छा, good luck भैया आपको। Thank you. कैसा था भैया? कितना time किया आप? मेरा 67. Maths में कितना बना है? मैथ्स में 82. और reasoning? पटना जक्सन आ गया। Reasoning tough था या math? दोनों नॉर्मल थे, दोनों इजी था। कट ऑफ क्या जाएगा, एज यूजुअल या फिर बदलेगा? हाई फाई। आपका कैसा गया भैया? एवरेज गया, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो कितना किए आप? 60। मैथ्स में कितना बना? मैथ्स में सर 30 का। 30, रीजनिंग में 30, रीजनिंग थोड़ा कम। हाँ भैया, ऐसा क्यों? रीजनिंग कम क्यों? सर पजल थोड़ा नहीं मतलब सीखने नहीं गया और बाद में फिर टाइम नहीं मिला। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग कंपैरिजन में कौन ज्यादा लेंदी था? रीजनिंग दोनों आसान ही था, पजल को हम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर, लेकिन मैथ तो बहुत आसान था। चलिए भैया, ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा भैया आपका? अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आप? 73। मैथ्स में कितना बना है? मैथ्स में आपको 36। और रीजनिंग? रीजनिंग पूरा बना लिए। रीजनिंग ईजी था या मैथ्स ईजी था? मैथ्स बहुत इजी था इस बार, मैथ्स शिफ्ट में बहुत इजी था। और अच्छा, रीजनिंग आपको पजल का जो है अनसर्टेन का क्वेश्चन था, सर्टेन का भी क्वेश्चन। अच्छा, था वो थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है। अच्छा, बस ये था। टाइम वाज इनफ और नॉट? टाइम इनफ है, जो तैयारी कर रहा है लगातार एबीपीएस के या बैंकिंग लेवल के, उसके लिए टाइम इनफ। भाई आज लास्ट एग्जाम है आईपीएस आरबी क्लर्क का, अब बताइए कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? कट ऑफ तो इस बार 70+ ही जाएगा, मतलब एज यूजुअल जैसा जा रहा है। हाँ, जैसा पिछले बार की बात करें तो 76 के अप्रोक्स गया था, तो 70+ इस बार जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन लेवल जो है रीजनिंग का वो थोड़ा सा टफ है पहले की अपेक्षा, लेकिन मैथ बहुत इजी है, बहुत इजी है, इस वजह से 70+ तो जाएगा जी। करते आपके लिए गुड लक भैया। आपका कैसा रहा भैया? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आप? 72। मैथ्स में आप कितना बना है? मैथ्स में 38। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 34। अच्छा, आपको कौन सा पेपर टफ लगा, मैथ या रीजनिंग? रीजनिंग टफ लगा, टाइम टेकिंग बनने वाला सब था, लेकिन टाइम टेकिंग। अच्छा, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग कौन सा सवाल ज़्यादा टाइम ले रहा था? वो था पजल में। पजल में ले रहा? पजल में आपको था जैसे फ्लोर वाला था वो इजी था, और आपको फ्लैट फ्लोर वाला इजी था, और ये एक था जो लिनियर में था अनसर्टेन पजल, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, बस वही एक था टाइम। अच्छा, बाकी सब इजी था। और मैथ्स इजी मैथ्स बहुत इजी था। आपके अकॉर्डिंग दो डी आई था। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ का प्रिडिक्शन? 70+ ही जाएगा। 70+ जाएगा, उससे कम का चांस नहीं है, मतलब जो उससे कम में स्कोर कर रहे उसको एक्सपेक्टेशन आ रहा है। बहुत पेपर बहुत ही पेपर बहुत ही भाई, आपको गुड लक। तरीके का आज के पेपर का रिव्यू रहा, हमने कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कट ऑफ का प्रिडिक्शन है वो भी हमने कैंडिडेट से पूछा। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट, और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।